रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को। तो क्या ये जंग दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगी? फ्रांस के महान एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्रेडेमस ने तो कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। कौन थे नॉस्ट्रेडेमस और क्या थी उनकी भविष्यवाणी, चलिए आपको बताते हैं। दुनिया को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियों के मामले में फ्रांस के एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्रेडेमस का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और लगभग 450 साल पहले नॉस्ट्रेडेमस ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। नॉस्ट्रेडेमस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्रेडेमस। इस किताब में उन्होंने 942 भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से 70% एकदम सटीक निकली हैं। खास बात यह है कि इस किताब में लिखी गई भविष्यवाणियां कविता के रूप में हैं। नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों को मानने वाले उनकी कविताओं की अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की भविष्यवाणी करते हुए नॉस्ट्रेडेमस ने लिखा था, साल 2022 में यूरोप में एक युद्ध शुरू होगा और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। इस जंग की भविष्यवाणी करते हुए नॉस्ट्रेडेमस ने जो कविता लिखी थी उसका पूरा सार और डराने वाला है। इस कविता की एक लाइन आपको सुनाते हैं, 7 months द ग्रेट वॉर पीपल डेड ऑफ एविल डूइंग, यानी 7 महीने का भयंकर युद्ध और बुरे कामों की वजह से मरे लोग। नॉस्ट्रेडेमस की इस कविता के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरे देशों के बीच मतभेद भीतर ही भीतर भड़कते रहेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि अगले साल यानी 2023 में यूरोप में भीषण युद्ध की शुरुआत होगी। इसके बाद इस जंग में कई देश शामिल हो जाएंगे। ये जंग धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। नॉस्ट्रेडेमस के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध करीब 7 महीने तक चलता रहेगा और इस जंग में लाखों लोगों की जान जाएगी। इस युद्ध में दुनिया के कई देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो लोग इस जंग में बच जाएंगे वो नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। इससे दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी शुरू होगा। इसके अलावा नॉस्ट्रेडेमस ने साल 2022 में पूरी दुनिया में महंगाई और भुखमरी की भविष्यवाणी भी की थी। दुनिया के कई देशों में आर्थिक संकट गंभीर होगा। नॉस्ट्रेडेमस की इस भविष्यवाणी को अगर श्रीलंका और पेरू जैसे देशों के मौजूदा हालातों से जोड़कर देखा जाए तो ये भविष्यवाणी भी एकदम सटीक लगती है। अब आपको नॉस्ट्रेडेमस की उन भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं जो सही साबित हुई हैं। इनमें जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय, दूसरा विश्व युद्ध, 11 सितंबर का आतंकवादी हमला, परमाणु बम बनाए जाने की बात और साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी वाली भविष्यवाणियां शामिल हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर रिएक्ट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।